आज की स्टोरी गांव से निकले हुए एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिन्होंने देश ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं उनके बारे में। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का काम भी किया है। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देश हित में अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पद पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रयासरत थे। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि व पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था, उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए और अपनी उन्होंने व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विद योर लाइफ। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। वॉट यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज नॉट रिलेवेंट नाउ, बट इट इज प्री डिटरमाइंड। फॉरगेट दिस फेल्योर एज इट वॉज इसेंशियल टू लीड यू टू योर एक्सपीरियंस। बिकम वन विद योर सेल्फ माई सन। सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड। बाबा शिवानंद का कहने का अर्थ यह था कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यह सफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं, आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का कुंज है और हमेशा रहेगा।